करो इना रिश्तिया नु जोड़न दी कोशिश करिया करो। दो परा लड़ पे ना ओना दी सुना करवाया करो, वीडियो ना बनाया करो, ते वीडियो बना के वायरल ना करिया करो, सुनो करान दी कोशिश करिया करो। और मैं जिस नतीजे ते पहुंचे आवा ना अल्लाह जुल जलाल दी कसम ओए है ते नमाज भी नेकी है ते हज भी नेकी है ते कुर्बानी भी नेकी है ते नफलो नवाफल अदा करना भी नेकी है, लेकिन सब तो बड़ी नेकी ओ जेड़ी नेकी हुजूर ने बयान फरमाई है ओ सब नालों बढ़ के नेकी सिला रहमी वाली नेकी है। एक बंदा ताल्लुकात कट देंदा है, एक बंदा मरण जीवन खत्म कर देंदा है, ते नमाजा पढ़दा रह, हज्जा करदा रह, ज़कातां देंदा रह, ना भैन दी परवाह है, ना भरा दी परवाह है, ना रिश्तेदारां दी परवाह है, ना अपने ते कौम ते बेगानियां दी परवाह है, ये परवाह समझदा ही नहीं। ओ नमाजा हज्जा ज़कातां रोजे किस काबल ने ते किस काम ने। अल्लाह जुल जलाल दे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, और मैं हदीस पाक दे अंदर पढ़िया है, मैं जिस नतीजे ते पहुंचे आवा अल्लाह जुल जलाल दी कसम अकीदे तौहीद दे बाद सब नालों बढ़ के सब नालों वड्डी ने के अगर हो सकदी है ते सिला रहमी हो सकदी है। और अल्लाह दे कुरान दे कौर पैगाम अल्लाह फरमांदे ने वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैयन वबिल वालिदैन इहसानन वबिज़िल कुरबा। अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान कर दे बया, अल्लाह फरमांदे ने इबादत अल्लाह दी करनी है, रब नाल किसे नु शरीक नहीं ठहराना, अल्लाह दे नाल किसे बराबर नहीं ठहराना, रब दे इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह दे इलावा बिगड़ी बनान वाला कोई नहीं, रब दे इलावा डुबिया तारन वाला कोई नहीं, औलादा अता करन वाला कोई नहीं, बेटियां देवे ते मेरा अल्लाह, बेटे अता करे ते मेरा अल्लाह। अल्लाह जुल जलाल दा कुरान आंदा बया इबादत रब दी करनी है, रब नाल किसे नु शरीक नहीं ठहराना, वा बिल वालिदैन एहसान अपने मापिया नाल चंगा सलूक करना है, अपने मापिया नाल चंगा बर्ताव करना है, अदब एहतराम करना है। ते फरमाया वा बिज़िल कुरबान अपने करीबी रिश्तेदारां नाल सिला रहमी करनी है, इन्ना नाल भी चंगे तरीके नाल पेश आउणा है। अद्दा अल्लाह एते अल्लाह दा कुरान है, मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इंज मेरे पाक पैगंबर अली सलातो वसलाम दे कोल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो बयान करदे ने, आंदे ने अल्लाह दे नबी दी खिदमत दे अंदर ना एक आउण वाला बंदा हुंदा है, आके अर्ज करदा सोहणिया मैनू कोई ऐसा अमल दसो जिहड़ा मैं अमल कर ला ते अल्लाह दे जन्नत विच दाखल हो जावां। ते मेरे पाक पैगंबर अली सलातो वसलाम फरमांदे ने अल्लाह नाल किसे नु शरीक ना ठहराए, रब दी इबादत करदा जाए, अल्लाह नाल किसे नु शरीक ना ठहराए, नमाज कायम करदा जाए, ज़कात अदा करदा जाए। ते नाल मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने सिला रहमी करदा जाए, अल्लाह तेनू अपने जन्नत दा हकदार बना देंगे।
सिला रामी को थोड़ी चीज नहीं अद्दाला। मेरे भाई मेरे बरादर उनते दौर इंज दागे है उनते मुआशरे ते मैं नजर दुड़ावाना। फेसबुक ते 10,000 फ्रेंड बनाई फिर दे फेसबुक ते जनाब 5,000 दे फ्रेंड दोस्त ने इन्ना नल मुहब्बत कर दे इन्ना नु लाइक कर दे इन्ना नल प्यार कर दे इन्ना नल मुहब्बत कर दाए। और वेख ले फेसबुक दे फ्रेंड नाल मुहब्बत करना है ते मां जम्मा वीर जेड़ा ओदे नाल नाराज़े अपनी अम्मी नाल नाराज़े अपने अबू नाल नाराज़े अपनी मां जम्मी भैन दे दरवाजे कदे कदम नहीं हो रखे वेख्या। एदे नाल लड़ाइयां करने एदे नाल दुश्मनियां करने। और सोनिया वेख लैना अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान कर दे पिया और सिला रहमी जे जानवर करे जानवर नाल अल्लाह ओदा जिक्र अपने कुरान विच कर दे ने जे इंसान इंसान नाल सिला रहमी करे अल्लाह उनू क्यों नहीं अजमता ता कर सकदे। आ वेख लैना अल्लाह दा कुरान है अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे महबूब अलैहि सलातो व सलाम सोनिया ऐलान फरमा दियो फरमाया वा हो शेरा ले सुलेमान जुनूद मिनल जिन्न वल इंस व तैर फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा आदौ अला वादिन नमले कालत नमलतु या अय्योहन नमलु दखलु मसांके नकुम लाया आते मन नकुम सुलेमान व जुनूद व हुम ला यशुरून फतबस्सम ज़ाहिकम मिन कौलिहा व कला रब औज़िनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अन अमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमल सालिहन तरज़ाउ व अदखिलनी बिरहमतिका व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिक सालीन। मैं कुर्बान जावा सदके जावा ए जनाबे सुलेमान अली सलातो व सलाम अपना लश्कर लेके जा रहे ने बारिश दी दुआ करन वास्ते खुले मैदान दे अंदर जान दा इरादा रख दे ने ते जनाबे सुलेमान अली सलातो व सलाम जांदे ने पै ते वेख्या ना कीड़ियां अपने रब कोलो तरला पियां पांदियां ने और कीड़ी नालो गै गुजरे इंसान जदो मंगना ते किदे कोलो मंगना है जदो सवाल करने अपने जीवंदे जागदे रब कोलो सवाल करने। ओए ओदा दरवाजा हर वेले ही खुले ओदा दरवाजा बंद नहीं हुंदा ओदे मालिक आवाजा दे दे के बुलांदे ने आजा मंग ले जो कुछ चाहना है आजा मंग ले जो कुछ चाहना मैं हाँ तेरा रब क्यों शर्माना बुए खैरां दे क्यों जाना गौला इला
इल्लल्लाह वारसद मैं आपे सवाली नो देवा दान न मोड़ा खाली नो क्यों चढ़ आई मेरे दर आली नो कौला इलाहा इल्लल्लाह मेरे मिलने नो लगदा किराया नहीं लाहौर जा किराया लगदा बगदाद जाए ते किराया लगदा मेरे मिलने नु लगदा किराया नहीं मैं कोई दूर महल बनाया नहीं बुए चौकी दार बिठाया नहीं कौला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह ते मैं कुर्बान जावा ओ कीड़े रुनी रब रहमान अगे की दे अगे ओ कीड़ी जिन्ना ते अकल रखो शऊर रखो कीड़ी रुनी रब रहमान अगे उन्हें अर्ज न कीते सुलेमान अगे पढ़ वेक ते रखे कुरान अगे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ते जनाबे सुलेमान अली सलातो व सलाम दा लश्कर आ रहा ते जेड़ी सरदार कीड़ी है कह लगी नी कीड़ी जल्दी जल्दी अपनी बिल्ला दे अंदर दाखल हो जाओ नबी सुलेमान अली सलातो व सलाम दा लश्कर आ रहे है किते तुहानू पैरां थले बेखबरी दे अंदर मेदना देवल ते जनाबे सुलेमान अली सलातो व सलाम कीड़ी दी गल सुन दे ने क्योंकि अल्लाह दे नबी जनाबे सुलेमान अली सलातो व सलाम हर एक दिया बोलियां जानदे ने अल्लाह जुल जलाल ने ए मौजजा अता फरमा दिता है ते कीड़ी दी गल सुनदे ने फता बसा मजाहे गन कीड़ी दी गल सुन के नबी मुस्कुरान लग पैने ओ तू वीर दी गल सुन के कदे तेरे जनाब चेहरे ते जनाब वेख लेना खुश तबी दे असहार नहीं नजर आए तेरी मां बुलाए तेरे नाल गल करे तू हस के नहीं हो बुलांदा तेरा मां जम्मा वीर तेनू बुलाए ते गुस्सा कर जाना है तेरा जनाब बाप तेनू आवाज दे ते तू मुस्करा के नहीं बुलांदा अब वेख ले जनाबे सुलेमान अली सलातो व सलाम कीड़ी दी गल सुन दे ने ते मुस्कराई जांदे ने हस दे ने पै अल्लाह दे नबी मुस्कराई जांदे ने ते कौम वाले कबीले वाले आंदे ने अजर जी गल की है ते आंदे ने वापस टुर चलो अल्लाह ने बारिशां दा इंतजाम कर दिता है अपना समान जेड़ा ओनू संभालो ओदी इफादत करो बारिश आउन लगी दे अल्लाह दे नबी दी गल की है जन कीड़िया ने दुआ की अल्लाह जुल जलाल ने कबूल फरमा लिये और सोने जेड़ी गल मैं समझाना चाहना एक कीड़ी हो के अपनी कीड़िया नाल सिला रहमी करन दईये कीड़ी हो के अपनी कीड़िया नू कह रहीये बिल्ला दे अंदर दा अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ आ रही है क्यों जी है ते मज़मून ते वैसे खुशक जग कह लो है मुखालफ हुंदा ना साडे लेकिन इहदे अंदर इस्लाह होएगी कुरान हदीस इंसान दी मुखालफत करदा असी करने कुरान नहीं करदा अब दा हुन बंदा नमाज ना पढ़े
ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਦਬੋ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਆਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਈ ਆਉਂਦੀ ਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਕਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਐ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ ਕੱਪ ਕੱਪੀ ਤਾਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਦੀਜਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵਖਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਵੀ ਇਤਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੱਲ ਸਿੱਖੋ ਸੱਜੇ ਦਾ ਖਦੀਜਾ ਦੇ ਕੋਲੋ ਇੰਜ ਬੀਬੀ ਖਦੀਜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਸਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਸੂਰ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਵਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਵਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਤਮੈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਹੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ ਆਨਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਮੈਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਕਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਰ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਤੇ ਖੂਨ ਹੀ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਏ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਏ ਏਡਾ ਅਜੀਬ ਇਨਸਾਨ ਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ 2 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਵੀ ਸ਼ਾਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਓਏ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਏ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਰਾ ਦੀਦੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਏ ਉਹ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਿਆ ਸ਼ਾਪਰਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮਾਂ ਜੰਮੇ ਵੀਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਨਾ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਏ ਜਨਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਏ ਉਹ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰ ਇਹ
जमीन तेरी मेरी नहीं, मैं तू जमीन दे है वा, जमीन मेरी तेरी नहीं, असी जमीन दे अंदर जान वाले अदा अल्लाह। मेरे भाई वीर तेरा अपना है जमीन पर आइए, सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जावा, मैं सदके जावा, अल्लाह जुल जलाल दे प्यारे पैगंबर अली सलातो वसलाम ने अपनी जबान नबुवत तू ऐलान फरमाया, ते मेरे पाक पैगंबर अली सलातो वसलाम ऐलान कर देने पे, अल्लाह दे नबी ने जेड़ा पैगाम सुनाया ना, आका फरमान देने आने वाले हैं, मैं बुतां नू तोड़न आया वा, तेरे दिलां नू जोड़न आया वा, ते जेड़ा अरहाम लफ़ज़े अल्लाह दे कुरान विच सत मरतबा जिक्र कीता गया, किन्नी मरतबा किन्नी मरतबा, ते हफ्ते दे दिन किन्ने ने, क्यों जी रब्बानी सा माशाल्लाह कित्थों चल के आए ने, अल्लाह तुहाडी सारयां दी मुहब्बत कबूल फरमा ले। लफ्ज़े अरहाम सात मरतबा अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया, ते हफ्ते दे दिन भी सात ने, की मतलब है? ओ मेरे कमले बंदे, हर दिन विच सिला रहमी करनी है, हर दिन विच मुहब्बत करनी है, हर दिन दे अंदर ही दिलां नूं जोड़ना है, दिलां दे अंदर नफरतां कुदूरतां दूर करनियां ने। और कदे वेख्या नहीं, कदे गौर नहीं कीता, कदे ए भी ते गौर करना, दावतां पकांदा, दावतां करदा, लाहौर तों बुला लिया जनाब, कसूर शहर तों अपना दोस्त बुला लिया, उकाड़े तों बुला लिया, गुजरा वाले तों गुजरात तों बुला लिया, इना वास्ते दस्तरखान लांदा, इना वास्ते खाने दा इंतजाम करदा, इना वास्ते बड़ियां मुख्तलिफ तैयार कर दे, और दूरू दूरू आन वाले फेसबुक दे फ्रेंड तेरे घर विच बह के दस्तरखान ते खाना खान डे, नाल दीवार तेरे मां जम्मे वीर दिए ते घर ही बैठा है, ओनू दावत ते बुलाया ही ने, ओनू दावत ते सद्दिया ही ने, अदा अल्लाह आ चीजा साडे विचों खत्म हो जानियां चाहीदियां। और कदे गौर करे, कदे मंजर वेखे, मैं ते वेखे आए बाद औकात मां जम्मे वीर आपस दे अंदर नाराज हुंदे ने, पर इना दियां औलादां कटियां खेल दियां वेखियां दे, अदा अल्लाह। मेरे भाई मेरे बरादर कुरान ऐलान कर दे पिया, अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहन नास तक्कू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअन व तक्कुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम काना अलैकुम रकीबा। सिला रहमी दा सबक सीखो, वल सीखो, ते अल्लाह दे नबियां कोलों सीखो। जनाबे याकूब अलैहिम सलातो वसलाम दे 12 बेटे ने, मैं इशारा करा ओना भाइयां ने सवाए बिन्यामीन दे, यूसुफ अली सलातो व सलाम नो बाप तो जुदा करके ते खूह विच सुट दिता है, ते खूह विचों कढ़े ने इंज काफले वाले आने, ते फिर विकदे विकांदे मिस्र दे बाजार अंदर गए, विकदे विकांदे अजीजे मिस्र दे घर पहुंच जांदे ने, अजीजे मिस्र दे घर जांदे ने, ते जेल दे अंदर भी जाना पै जांदा है। और कदे कदे बंदे बेकसूर
कसूर भी जेले बंद हो जाते ने। अल्लाह जेड़े बेकसूर जेलों के अंदर बंद ने अल्लाह सारियां नूं रिहाइयां नसीब फरमा दे। जनाबे यूसुफ अली सलातो वसलाम जेल दे अंदर चले जांदे ने। एक वक्त आया जेलों बाहर आ जांदे ने, मिस्र दे बादशाह बन जांदे ने, वजीरे आजम बन जांदे ने। ओ भरा जेड़े खूह विच सुटन वाले ने, अज फकीर बन के अपने वीर दे सामने जाके सवाल करदे ने पै। ओ सोणिया दौलतां ते मान ना करी, दौलतां ते फकर ना करे। दौलतां मुकदियां मैं आप वेखियां ने, दौलतां मुक जांदियां ने, इन्हां ते फकर ना करे। दौलतां हमेशा एक कोल ते नहीं रहिंदियां अज किसे कोल ते कल किसे कोल हो सकदियां ने। अज अमीर है कल गरीब भी ते हो सकदा है। जेड़ा गरीब है अल्लाह उनू माल दौलत अता करन ते कादर ने। आ वेख लैना जेड़े पाए मान कर दे सन, अज गरीब हो के अज फकीर हो के रब ने वीर यूसुफ दे सामने मजबूर कर दिता है। मंगन ते मजबूर हो जांदे ने। अदा अल्लाह ते जनाबे यूसुफ अली सलातो व सलाम दे वीर जदों फिर जांदे ने, फिर जांदे ने ना राह सारे ही खुल जांदे। हुण कंबंडा ने असां की कीता सी, साडियां करतूतां की सन, ते ए अज साडे कोल गिन गिन के बदले लवेगा। पर जनाबे यूसुफ अली सलाम फरमांदे ने, ओ वीरो परेशान ना होवो, ला तसरीब अलैकुम अल यौम, जाओ मैं तुहानू रब वास्ते माफ कर दिता है। अपने रब कोलों भी माफी मंगदा ही रवांगा तुहाडे वास्ते। ए ते जनाबे यूसुफ अली सलातो व सलाम ने मैनू याद आया मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलातो वसलाम नूं मक्के वालिया ने मक्के चों कढ़ दिता है, ते मेरे नबी फिर दोबारा मक्के दे अंदर फाते मक्का बन के आउंदे ने। ते मेरे नबी दे सहाबा दे जज्बात हर बंदे दे जज्बात होया करदे ने, इन्हां दा शायद ज़ेन होवे। अज गिन गिन के बदले लवांगे। पर मेरे आका अली सलाम फरमा मक्के वाले गल सुन लो मेरे सहाबियो, मक्के दे अंदर दाखल हो रहे जे अल्लाह ने इज्जत अजमत नाल हमकिनार कर दिता है, ते गल मेरी सुन लो। मक्के दे अंदर दाखल हो रहे जे ते जेड़ा बैतुल्ला दे अंदर दाखल हो जाए ओनू कुछ नहीं कहना, जेड़ा बुढ़ा है ओनू कुछ नहीं कहना, औरतां नू कुछ नहीं कहना, बच्चियां नू कुछ नहीं कहना, जेड़ा अबू सुफियान दे घर वड़ जाए ओनू भी कुछ नहीं कहना। ते सहाबी आंदे होणगे हुजूर फिर सीधी तरह आखोगा किसे नू भी कुछ नहीं कहना, हुजूर सीधी तरह आखो किसे नू कुछ नहीं कहना। अद्धा साडे दंद थले कोई आ ना जाए असी ओदियां पीड़ां सारियां कर देने। अद्धा अल्लाह मेरे भाई मेरे बरादर वल सिखो मेरे पैगंबर अली सलातो वसलाम दे कोलों। मैं कुर्बान जावां सदके जावां अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बाने नबुव्वत तो ऐलान फरमाया। मेरे आका अली सलातो वसलाम फरमांदे ने एक बंदा मेरे नबी दे कोल आ जांदा है, आखिर करदा सोणिया मैं कौम नाल बरादरी नाल रिश्तेदारां नाल चंगा सलूक करना वा, पर मेरी कौम गल नूं समझदी नहीं, मैनू मंदा बोलदी ऐ, मैनू गालां कढ़दी ऐ, मैनू मंदा बोलदी ऐ। मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने ओ जब तक तू ए रवैया इख्तियार करदा रवेंगा, उन्हां नाल भलाई करदा रवेंगा, ओ तैनू गाल कढ़न ते
तू उना वास्ते चंगी गल करे, उना दी भलाई सोचे, अच्छाई सोचदा रहे, उना नाल सिला रहमी करदा रहे, उदो तक ओ तेरा कोई नुकसान नहीं कर सकदे। ते नंबर दो, तेरी तरफों अर्श वाला रब अपने फरिश्ते नूं मददगार बना देंदे ने। अदाला मेरे भाई, असी ते छोटी छोटी गल माफ नहीं कर दे। मेरा तेरा मरण ज्यों मुक्का, तू बेटी दा रिश्ता नहीं दिता, तेरा मेरा मरण ज्यों खत्म है, खुशी कमी खत्म है। ओ जोड़े बनान वाला कौन है? बोलो, जे ए यकीन कामल हो जाए ते फिर लड़ाइयां ही का दिया ने, फिर जनाब दुश्मनियां ही का दिया ने, फिर मरण जीवन मुका मुकान दा फायदा ही की हो सकदा है। जे तेरे वास्ते अल्लाह जुल जलाल ने उस बेटी दा रिश्ता दा इंतखाब कर दिता से, लामे रिश्ता जा नहीं सकदा। जे तेरे मुकद्दर विच नहीं ते तैनू रिश्ता मिल नहीं सकदा। इस वास्ते मेरे भाई ना मरन जीवन खत्म करे अगर, मां जम्मे वीर नाल अपने नाल रिश्तेदार नाल कौम कबीले वाले नाल। ओए असी ते छोटी छोटी गल माफ नहीं कर दे। मैनू याद आया मेरे ते तुहाडे पैगंबर अली सलातो व सलाम दा एक परवान है हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु। अदा अल्लाह मैं कुर्बान जावा तरीके दमिश्क इब्ने असाकर भी इनू आंदे ने, 80 जिल्दा दे अंदर अरबी दे अंदर किताब मौजूद है। ते मेरे पाक पैगंबर अली सलातो वसलाम दे परवाने हजरत अबू हुरैरा हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमांदे ने ते अपना वाकया बयान करदे ने। आंदे ने इन्हां ने एक ऊंट रखे उदा नाम दमू रखे आए, ते एदे कोलों काम लेंदे ने, एदे ते सफर भी करदे ने, एदे ते जनाम आंदे भी ने ते जांदे भी ने, सफर तय करदे ने। ते बंदे दी जिंदगी दा ते कोई पता नहीं, सोनिया मैं तू इत्थे बैठे आ, पता नहीं उठ के घर जाना नसीब होना के नहीं होना। ना ना मेरे भाई मौत नूं भी याद करे अगर, मौत दियां तैयारियां करे अगर। कदे कदे बंदा खुशी दे अंदर हुंदे, अल्लाह खुशी नूं गमी दे अंदर तब्दील फरमा देंदे ने। ए ते मेरे मालिक दा निजाम है, बच्चे रोंदे ने ते रोंदे रह जान, किते मापे कुरलांदे ने पैं, किते बच्चे कुरलांदे ने पैं, पर सोनिया जेड़ा मौत दा वेला मुकर्रर है, वादा भी नहीं हो सकदा ते बोलो घाटा भी हो सकदा, घाटा भी नहीं हो सकदा। ते फिर तैयारी करनी चाहिदी है कि नहीं करोगे? अल्लाह करन दी तौफीक अता फरमा दे। मौत दी तैयारी नमाज पढ़िया करो, कुरान दी तिलावत करिया करो, सदका खैरात दिया करो, गरीबा माड़िया दे कम आया करो। मेरे भाई जकात माल नसाब नू पहुंच जाए ते जकात दिया करो। अल्लाह अल्लाह फर्जी रोजे रखिया करो अगर तुहाडी सेहत सलामत है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, मैं सदके जावां, फरमांदे ने नबी वली होर आलम फाजल ते गुजरे नी जंग चंगे रे, ते शागदा होर बुरे पले सब कीते नी कबरी डेरे। असी अपने मापिया नूं अपने हथी दफन कराउने आ, वारियां ते मुकर्रर नहीं ना। और कदे कदे बुढ़े बाप नूं अपने जवान पुत्र दा लाशा कंधिया ते उठाना पै जांदा है, कबर दे अंदर उतारना पै जांदा है। नबी वली होर आलम फाजल ते गुजरे नी चंग चंगे रे।
सागदा होर बुरे पले सब कीते नी कबरी डेरे। इस वास्ते मेरे भाई मौत नू याद रखिया कर, मौत याद होवे ते बंदा सिला रेमी तू भी पिछे नहीं रह सकदा। आ मेरे वीर की नाम है जिन्हां दी वालदा फौत हुई, माशाल्लाह भाई शहजाद साहब, उन्हां दी वालदा मुहतरमा दो तीन दिन अल्लाह अल्लाह जुमे वाले दिन अल्लाह दे हुजूर पहुंच चुकी है। अल्लाह उस साड़ी मां दी कबर नू जन्नत दी क्यारी बना दे, अल्लाह उदी कबर नू वसी फरमा दे और उदे वरसा नू सबरे जमील अता फरमा दे। हकीकत दे अंदर और जिन्ना दिया मावां टुर जांदियां ने कदर उन्हां नू महसूस हुंदा है। मापिया की कदर करिया करो, मापिया का एहतराम करिया करो। ये टुर जान ते फिर पछतावा लगता है, ये टुर जान ते फिर इन्हां दी कदर हुंदी है। अल्लाह सानू मापियां दी कदर करन दी तौफीक अता फरमा दे। आमिना दे लाल अली सलातो व सलाम दा परवाना ऐ जब बिस्तरे अलालत ते लेटे है ते आंदा गुलाम ओए बेटे जा मेरा ऊंट दमून लेके आ। गुलाम दमून ऊंट लैके आउंदा ते सारियां ताकतां समेट के उठ के बह जांदे ने ते हाथ बन के उहदे सामने तरला करदे ने। आंदे ने दमून यार मैं तेरे नाल मुहब्बत करन दी कसर ते कोई नहीं छड्डी, पर दमून गल सुन लै जिंदगी दे अंदर जे वादा घाटा हो गया है ते मैनू रब वास्ते माफ कर दे। कसूरियो असी ते सकी मां कोलू माफी नहीं मंगदे, सके बाप कोलू माफी नहीं मंगदे, मां जम्मे वीर दा तरला नहीं पांदे। आ वेख लै माफी मंगन वाले आने ते जानवरां कोलू भी माफी मंग लईए। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई मेरे बरादर कुर्बान जावां सदके जावां। आ वेख लै हजरत जैनुल आबेदीन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अनहो दे बेटे ने ते इन्हां नूं इन्हां दे वालदे मोहतरमा ने मोहतरम ने जनाब नसीहत फरमाए। फरमांदे ने बेटा एक गल मेरी पल्ले बन ला, जेड़ा कता तल की करन वाला बंदा है ओनू अपना दोस्त ना बनाई, ओनू अपना सज्जन तसव्वर ना करी। जेड़ा बंदा रिश्तेदारियां तोड़दा है, जेड़ा रिश्तेदारियां खत्म करदा है, मरण जीवन मुका देंदा है थोड़ियां थोड़ियां गल्लां तो, मैं तेरे जनाजे ते नहीं आना, तू मेरे ते ना आई, मैं तेरी खुशी दे अंदर नहीं आना, तू मेरी खुशी दे अंदर ना है। और कुछ बंदे इन्हां नूं कोई बीमारी नहीं हुंदी, सेहतमंद हुंदे ने, बस सारा दिन सोचते रहिंदे ने हुण पता नहीं इन इज्जत क्यों पांदा पिया, इनू जनाब खान नू चजदा क्यों लब गया, इनू शोहरत क्यों मिल गई है। ये सोचते ही बीमार हो जांदे ने, दिली बीमारी है इन्हां नूं। मेरे भाई मेरे बरादर अपने रिश्तेदार अपने भाई मुसलमान दी अच्छाई सोचेगा, चंगा सोचेगा ते अर्श वाला रब तेरे बारे अच्छा सोचेगा। रब्बुल आलमीन तेरी मदद फरमा देंगे। अद्दा अल्लाह ते हजरत जैनुल आबेदीन फरमांदे ने बेटा जेड़ा बंदा कता रहमी करन वाला है उन्हों अपना दोस्त ना बनाए। अबू जी गल की है ते हजरत जैनुल आबेदीन फरमांदे ने बेटा वो ऐसा बद नसीब इंसान है, उदे ते रब ने कुरान विच तीन लानता नाजल फरमा दितियां ने। को
ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਪਰ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ। ਚਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘਦਿਆਂ ਟੱਪਦਿਆਂ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੇਗਾ, 2 ਵਾਰਾਂ, 3 ਵਾਰਾਂ, 10 ਵਾਰਾਂ, 50 ਵਾਰਾਂ, 100 ਵਾਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੇਗਾ, ਆਖਰ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਲਾਮ ਆਉਂਦਾ ਏ ਅੱਧਾ ਅੱਲਾ। ਆਓ ਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਐਂਡ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਅੱਲਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਰੂਜ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਫਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਏ ਵੇ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਏ ਵੇ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਏ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਏ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਨਾਦਰ ਇਸਲਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਮਜਦ ਛਤਵੀ ਕਹੋ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ, ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਟੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਪਰਵਾਨੇ ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹੋ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਵਜ਼ੀਫਾ ਏ ਵੇ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਜਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੌਦਾਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਤਾਜਰ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਏ, ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਏ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲਾ ਇਲਾਜ ਮਰਜ਼ੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਜ ਦੀ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬੜਾ, ਤੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿੰਜ ਦੀ ਏ? ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਗਰੀਬ ਬੜੀ ਏ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬੜਾ ਵਾਂ। ਅੱਦਾ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਸ਼ੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ? ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਏ, ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਪਿੰਡ ਏ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਲਕ ਤੋੜਿਆ, ਤਾਲਕ ਕੱਟਿਆ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮ ਅਦ ਕਮ 20 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਗਰੀਬ ਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ,
चंगा खाना कोई नहीं, एदे कोल खिलान वास्ते चंगे बर्तन कोई नहीं, एदे कोल बिठान वास्ते चंगी जगह दा इंतजाम कोई नहीं। और ना ना सुनिया गरीब कोल भी जाया कर, अल्लाह एदे नाल भी बरकतां पैदा फरमा देंदे ने। ए हकीम कहन लगा ओए अल्लाह वाले आ इंज कर, जा टुर जा अपनी कौम दे अंदर, अपने कबीले वाले दे अंदर, अपनी कौम बरादरी दे अंदर चला जा, ते वी दिन कम अद कम उते ठहरना होएगा। जेड़ा गरीब है जिदे कर कोई जरूरत है, खानू नहीं उनू खाना खिला दे, किसे नू जनाब किसे चीज दी जरूरत है उनू मुहैया कर दे, ए बंदा चला जांदा है। वी दिन गुजारन दे बाद अपनी कौम अंदर जेड़े गरीब सन, किसे नू नलका लवा के देंदा, किसे नू जनाम लेंटर पवा के देंदा, किसे दी छत पक्की करवा देंदा, किसे नू मकान बनवा के देंदा, वी दिन बाद आउंदा ते जनाब रिपोर्ट करवांदा ते अल्लाह ने सेहत अता फरमा दीती है। बीमारियां दा इलाज तलाश कर दे दे, और शुगर दा मरीज है, ब्लड कैंसर दा मरीज है, या कोई हेपेटाइटिस दा मरीज है, लखा रुपए खर्च कर दे दे हॉस्पिटल दे अंदर जाके, ए जनाब वक्त भी जाया कीता जांदा है, और उते अपनी दौलत भी खर्च कीती जांदी है, और रब दा वास्ता दे कोई हर्ज नहीं, इलाज करवान दे अंदर मैं मना नहीं करदा, लेकिन रब दा वास्ता दे और पैसे दौलत अपने गरीब रिश्तेदारां ते खर्च करोगे ते अल्लाह तुहानू सेहत अता फरमा देंगे। आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने, अल्लाह ओदे रिज़क विच बरकत पा देंदे ने जेड़ा सिला रहमी करदा है। आ वेख किवें बरकतां पैंदियां ने, हदीस पाक दे अंदर मौजूद है, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अली सलातो वसलाम ने फरमाया, एक बंदा उने जमीन बेची है ते दूसरे ने खरीद लई, जेड़ा वेचन वाले पैसे लेके घर चला जांदा है, सौदा हो गया है, ते जिन्ने खरीदी है उन्ने हल चलाए ने, ते हल चलांदे आ चलांदे आ सोने दा एक परिया मटका निकल आउंदा है, इन्ने जनाब हल रोक दिते ने, ते मटका चुक के ओदे दरवाजे चला जांदा, साडे वर्गा हुंदा ना साडे वर्गा अज्ज दा मुसलमान, ते आंदा बादशो किसे नूं पता ना लगे पहले इनू संभालो, इनू संभालो, इनू रखो किते संभाल के किसे नूं पता ना लग जाए। अदा अल्लाह ए टुर जांदा है, आ तेरी अमानत है, ओ आंदा ओ तेरी है, ओ आंदा तेरी है, रौला पै गया, जे साडे वर्गा हुंदा तां दा चुप करो ए मेरी है, है? असी ते मसीतू जुतियां नहीं ना छड़ दे, ठंडे पानी दे कूलरा नाल गलास संगलियां ना बद्दे हुंदे ने ओ नहीं छड़दे। दुआ फरमाओ अल्लाह साडे ईमान नू मजबूत फरमा दे, जेड़ा तेरे रिजक दे अंदर लिखिया है ओ मिल के रहना है। अद्दा अल्लाह आखिरकार ए जनाब झगड़न डया ने, एक बंदा आया सियाना, ओ आंदा की चक्कर है की मसला है गल, ओ आंदा फैसला मैं करा ते मंजूर होएगा, जी मंजूर है बिल्कुल मंजूर है सानू कबूल है। ओ कहन लगा औलाद है जे, जी मेरे कोल बेटा है, तेरे कोल मेरे कोल बेटी है। कहन लगा उन्ना दोना दा रिश्ता तय कर दिता जांदा, निकाह कर देने आते
ਇਹ ਦੇਗ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨੇ, ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਖਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਨ। ਜਜ਼ਾਕੁਮ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਇਸ ਮੁਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਰੱਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ।